बीते दिन बॉलीवुड के किंग फारूक खान की पत्नी गौरी खान को ईडी से नोटिस मिलने की खबर से सनसनी मचा दी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि गौरी पर एक रियल एस्टेट कंपनी को एड्रेस करने का आरोप है जो 30 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर फेक है। खुद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस न्यूज को कंफर्म किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने इस खबर को गलत बताते हुए कंफर्म किया है कि गौरी के खिलाफ कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया है, ना ही परमिशन लेने जैसी कोई तैयारी की जा रही है। ये खबर पूरी तरह से गलत है। गौरी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई तैयारी नहीं की जा रही है। गौरी खान एक जानी मानी सेलिब्रिटी इंटीरियर डिजाइनर है। वो फारूक खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़ी हुई है। बीते दिन आई खबरों में कहा गया है कि गौरी को ईडी ऑफिस से नोटिस देने की अनुमति लेने के लिए तैयार की जा रही है। परमिशन मिलने के बाद ईडी गौरी से पूछताछ करेगी। गौरी से पूछताछ में पता लगाया जाएगा कि तुलसियानी ग्रुप ने गौरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कितना भुगतान किया, ये पैसे कैसे उनको दिए गए हैं, साथ ही इसके लिए क्या क्या अनुबंध हुआ है। इस अनुबंध का कागज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टर को गौरी से लगेगा।